जो खड़े होंगे वो निश्चित रूप से अपने अनुशासन को तोड़ रहे हैं। बैठ जाइए। और अब विक्रम जी वापस आपको संगीत की लहरियों में ले जाएंगे। थैंक यू। परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया मंच पर पधार रही हैं। मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिन्होंने राजस्थान को संवारा अपने कुशल नेतृत्व में और जो पूरी दुनिया में मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में लेकर चलते वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, व्यवस्था और अनुशासन में रहकर ही जोरदार तालियों से स्वागत करें परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया का। आज कोटा की इस धरती पर एक इतिहास रचा जा रहा है। 1,00,000 युवा विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। कोटा शिक्षा के लिए जाना जाता है। और ये वो समय है जब अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोटा की इस धरती पर उमंग और उत्साह की लहर, जीवन का उत्सव, जीवन की तैयारी, सपनों को साकार करने की तैयारी, अपनी संभावनाओं को तलाशने की तैयारी और अपनी प्रतिभा को निखार कर मंजिल तक पहुंचने की तैयारी। और इसलिए जाना जाता है कोटा। पूरे देश के नौजवान यहाँ आते हैं। जिंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का। मैं चाहूंगी आप जहाँ कहीं भी हैं सब लोग वहीं पर बैठकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाएगा परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा, क्योंकि आज का ये आयोजन विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभावों के लिए है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाए। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी ज्ञान का, आनंद का, प्रेम का, शांति का एक ऐसा ही उजियारा पूरी दुनिया में फैलाया है। अंतर मन का अंधेरा मिटे, अंतर मन में उजियारा फैले और आसपास के वातावरण में भी उसकी आभा फैले। दीप प्रज्वलन के बाद
सचमुच परम पूज्य गुरुदेव के आगमन से कोटा में एक नई उमंग देखने को मिल रही है, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, जीवन की एक नई आभा और शोभा देखने को मिल रही है। एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का। हमारी परंपरा रही है कि हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ये सारे आयोजन को आयोजित करने में कोटा की कोचिंग संस्थाओं के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिला प्रशासन के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग परिवार उन सब का धन्यवाद देता है, आभार प्रदर्शित करता है। मैं कोचिंग संस्थाओं के निदेशकों से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक विशाल माला जिसमें कोटा के जन जन के भावनाओं के फूल लगे हुए हैं, उस माला से माल्यार्पण करेंगे कोचिंग संस्थाओं के निदेशक परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। और आप सब तालियों के पुष्पों से अपने दिल के जज्बात, अपने हृदय के उद्गार की सुगंध मंच तक पहुंचाएंगे। कोचिंग संस्थाओं के निदेशक एलन रेजोनेंस वाइब्रेंट कैरियर पॉइंट मोशन एकेडमी आकाश इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेस इनफाइनाइट कोचिंग और राव क्लासेस। यहाँ पर 1,00,000 विद्यार्थी मौजूद हैं और जिस समय से आप गुजर रहे हैं जीवन के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही भटकाव का समय भी है और यही संभलने का समय भी है। कुशल मार्ग निर्देशन मिले, समुचित अनुकूल वातावरण मिले और प्रेरणादायी साथ मिले तो निश्चित रूप से यही वो समय है जहाँ सुंदर भविष्य की नींव रखी जाती है। और इसी समय आपके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे नाजुक मौके पर हमें परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। एक आश्वासन गुरुदेव देते हैं कि इस दुनिया में सबको वो देते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, विपदाएं आए, आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ है जो भले ही दिखाई ना दे लेकिन कदम कदम पर, सांस सांस में वो आपके साथ है और वही आपको संभालता है। गुरुदेव जो निराशा और हताशा को उत्साह और उमंग में बदलने के लिए जाने जाते हैं, कोचिंग संस्थाओं के निदेशक गण हम सब की भावनाओं को अर्पित कर रहे हैं इस वृहद माला के माध्यम से। मैं चाहूंगी आपकी तालियों के पुष्प भी इससे जुड़ें। इस ऐतिहासिक दिन, इस ऐतिहासिक पल में सौभाग्यशाली है कोटा और यहाँ के लोग, यहाँ के ये 1,00,000 विद्यार्थी, ये अपार जन समूह जिन्हें आज गुरुदेव का सानिध्य और सामिप्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और इसके बाद मैं कोचिंग संस्थाओं के निदेशक गणों से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान
बढ़ रहा है, संवर रहा है और एक नई आभा से आलोकित हो रहा है। आज हमारे बीच हैं जिंदगी में जोश और होश दोनों जरूरी है और ये दोनों साथ आप संतुलन में अपने जीवन में हमेशा रखें, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपको मिलेगा। जीवन को देखने की नई दृष्टि, एक नई समझ और जीवन जीने की एक नई कला जिससे जीवन एक उत्सव बन जाता है। अतिथियों के स्वागत के पश्चात आज कोटा में इतना अपार जनसमूह, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी हैं और प्रदेश की मुखिया भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक दिन, इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी विद्यार्थियों की ओर से, सभी इंस्टीट्यूट की ओर से पूज्य श्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में अभिनंदन होने जा रहा है। सभी इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि बच्चे, स्टूडेंट्स इस समय मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी ओर से अभिनंदन, आप सबकी ओर से अभिवादन प्रस्तुत हो रहा है। जरा जोरदार तालियों से अपने इस अभिवादन को पहुँचाइए। एलएन, बंसल, कैरियर, रिजोनेंस, वाइब्रेंट, मोशन, आकाश, सारे इंस्टीट्यूट इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की ओर से ये प्रतिनिधि विद्यार्थीगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। गुरुदेव आपके सामने नहीं होगा ये, पूरे आपके सामने नहीं बोलेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट परम पूज्य आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, देश भर से कोटा के सब इंस्टीट्यूशन से पधारे हुए सब छात्र छात्राओं, सब आयोजक गण, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब प्रतिनिधिगण, आज के इस अपार समूह में गुरुजी के सामने नतमस्तक होने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें आप सबका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगी।
अभी गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि वहां जाने की जरूरत क्या है, एक माइक लेके यही बात अपनी बताओ। मेरे को बैठने में ही वहां मुश्किल हो रही है, तो वहां से माइक लेके कैसे बोलती? गुरुजी के सामने उनके मंच पे बैठना और उनके सामने इतनी हिम्मत करके माइक पे बोलना, ये तो वैसे भी हो नहीं सकता है महाराज जी। इसलिए जरूरी था कि यहाँ आपके सामने मंच पे भले ही खड़ी हूं, परंतु सब लोगों को दिल से लगा के आज यहाँ स्वागत कर रही हूं। अभी अभी कुछ बच्चों ने हम सबका स्वागत किया, एलन के थे, रेजोनेंस के थे, वाइब्रेंट के थे, करियर पॉइंट के थे, आकाश के थे और बंसल क्लासेस के थे। महाराज जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि वैसे तो एक दूसरे से पूरे कंपटीशन में ये सातों के सातों हैं, परंतु आज आपके सामने पूरे इकट्ठे होकर नतमस्तक हुए हैं। आपके सामने मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बहुत सोच विचार करके कार्यक्रम रखा गया है। आपने हम सबसे भी पूछा था और हमने आपके श्री चरण में एक सुझाव दिया कि अगर आप कोटा में, जो पूरे देश के अंदर सबसे प्रसिद्ध स्थान है कोचिंग के लिए, आप अगर वहां पधारते हो तो जो इसका स्ट्रेस बच्चों के ऊपर होता है उसको किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ध्यान में लेते हुए सबके बीच में ये बात को फैलाने का आप काम करोगे तो कोटा के अंदर ही एक अलग वातावरण पैदा हो जाएगा। हम कोटा को एक स्टूडेंट सिटी मानते हैं, जैसे पूरी सिटी में हजारों की संख्या में बच्चे आज यहां उपस्थित हैं। मैं कोटा के कलेक्टर से यही कहना चाह रही थी कि हम लोगों को पूरे कोटा के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बनाने की जरूरत है जिसमें बच्चों को बार बार स्ट्रेस उतारने का मौका मिले। पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग लगातार कंपटीशन में बैठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक खाली पढ़ाई हमारे दिमाग में होती है। मैं हमारे अभिभावकों को भी ये कहना चाहती हूं कि बच्चे पढ़ने जरूर आए हैं, परंतु हम उनके कंधे के ऊपर इतना भार न रखें कि वो इसके आगे सोच ही न सकें। आज पूरे कोटा के अंदर कलेक्टर साहब से मैंने आप लोगों को जोड़ने को कहा है, जगह जगह पे स्थान चिन्हित करें जहां कहीं बच्चों को जैम सेशन करना है, बाजा बजाना है, गिटार बजाना है, तो एक ऐसी जगह हो जहां सडनली वो इकट्ठा होके अपना ये बाजा भी बजा सकते हैं। और कोचिंग क्लासेस के साथ हमने ये कहा है कि इतनी पढ़ाई आप मत कर दो कि उनको समय ही ना मिले ये सब चीजों करने के लिए। आज स्ट्रेस की वजह से जो यहां हो रहा है वो पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, और आज मैं सबको कहना चाहती हूं कि कोटा ने अपना एक नाम बनाया है पूरे देश के अंदर कि यहां से जो बच्चे जाते हैं वो मेडिकल में, आईआईटी में और सबसे ऊंचे पद पे जाने का इनका स्वभाव बनता है। अब ये एक बहुत बड़ा काम है और कोटा पूरे देश के अंदर नामी हो गया है, परंतु अब ये जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि कोटा की यह परिस्थिति फिर घटे, और इसीलिए सब लोगों से मेरा यही कहना है, और बंसल और रेजोनेंस, वाइब्रेंट, करियर पॉइंट, मोशन, आकाश और बंसल से मेरा यह कहना है कि पढ़ाई पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, परंतु उनको समय भी दो ताकि वो शाम को रिलैक्स कर सकें। ऐसा भी नहीं हो जाए कि वो इतने थके मांदे हो कि उनको अपना ये स्ट्रेस उतारने का कोई वक्त ना हो। मैंने कोक स्टूडियो से कुछ दिन पहले बात की थी और मैं समझती हूं कि कोक स्टूडियो भी राजी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इस साल से
कोक स्टूडियो का 3 दिन का बहुत बड़ा जो जयपुर के अंदर हुआ था वो उसी तरीके से यहाँ कोटा के अंदर लगातार हो, तो फिर आपका ये जैम सेशन का कोई अर्थ होगा। अगर आप लोग, हो सकता है कि इतना अच्छा कोई ग्रुप हो या कोई इतना अच्छा बजाने वाला हो या कोई इतना अच्छा गाने वाला हो कि वो आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर कोक स्टूडियो के द्वारा ना भी हो जाए। और हमने अभी कलेक्टर साहब से ये भी कहा है कि हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग गेम्स के अंदर एक कंपटीशन शुरू करने का काम किया है। अब झालावाड़ में क्रिकेट चलता है, बारा के अंदर कबड्डी हो गया है, कोटा के अंदर भी एक आप लोगों को गेम्स चूज करके उसको शुरू करना है, पर उसको चलाने वाले और उसकी अगुवाई करने वाले हमारे ये सातों जो क्लासेस करने वाले और जो आपके ये तीनों सातों करियर पॉइंट्स है, इन लोगों को सबको मिलके एक ऐसी वातावरण पैदा करने की जरूरत है जिसमें या ये या ये या वो कोई इसमें से निकल के आए जो चैंपियन हो उस गेम में। कर पाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेहनत करोगे, थोड़े से पसीना उतारोगे, थोड़ा बाजा बजाओगे, थोड़ा अपना कंप्यूटर पे काम करोगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर आज आपको 90% मिल रहे हैं तो मैं ये गुरुजी के सामने उनके चरण को हाथ लगा के कह सकती हूँ कि आने वाले समय के अंदर 95, 98, 99 और पूरे देश में अपना परचम फैलाने वाले ये कोटा के सातों इंस्टीट्यूशंस होंगे। यही विश्वास के साथ बहुत सारा मेरा प्यार आप लोग सबको, बहुत सारा मेरा प्यार। और मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ और आपके अभिभावकों को कहना चाहती हूँ कि ये एक किस्मत भी है और मेहनत भी है, पर किस्मत और मेहनत के साथ थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कोटा धीरे धीरे जो पोजीशन पे था उस पोजीशन पे नहीं रह पाएगा। इसलिए आज एक कमिटमेंट हम लोग सब करें और ये सातों जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो जो अभिभावक लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में आप जरा एक दफ़ा जयपुर आइए, एक दफ़ा बैठिए और एक कोई अच्छे से अच्छे कार्यक्रम अनरोल करने का काम हम लोग बैठ के स्थिति बनाएं ताकि ये बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं हर काम में, जब क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती है तो जब तक ऑलराउंडर नहीं होता है तब तक उसकी कोई वक्त नहीं होती है, वो काम हो। और मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब आपके पीछे खड़े हैं। आप आगे बढ़ते हो, आपका नाम होता है तो हम सबका नाम होता है। और इतना ही कह के गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग सबको मिले ताकि आने वाले समय के अंदर हंसते खेलते मजा करते हुए हम लोग आगे अपनी जिंदगी में बढ़ें। आपका ये आशीर्वाद होगा गुरुदेव, तो मुझे विश्वास है कि जो रोज बिना मुस्कुराए घर से निकल के रात को घर वापस लौटते हैं ऐसे लोग एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराएंगे, खुशी फैलाएंगे और अपने क्लासेस में नंबर एक आने का काम करेंगे। इतना ही आप लोगों सबको कहते हैं, सबको प्रणाम और आप सबके चरणों में, आपके चरणों में गुरुजी बहुत सारा प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आपने बहुत ही आत्मीयता और ममता के साथ, जैसे एक माँ अपने बच्चे के हित के लिए सजग रहती है उस भाव से अभिभावकों को और बच्चों के लिए एक संदेश दिया तनाव मुक्त होकर मेहनत करने का, और मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं बच्चों के मन में जो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहते हैं और उनका समाधान चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि वो बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से अपनी जिज्ञासाएं रखना चाहते हैं उनके समक्ष वो रख लें।
जब तक उसकी व्यवस्था हम करते हैं तब तक हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने से आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक और वॉलंटियर्स मुस्कुराहटें बांटने का एक वृहद कार्यक्रम चला रहे हैं, स्प्रेडिंग स्माइल्स कैंपेन। उसके बारे में जानकारी देंगे श्री विवेक अग्रवाल। हाउ आर यू ऑल? प्लीज टू इन्फॉर्म यू फॉर लास्ट 6 months द स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग इन कोटा हैज रीच्ड आउट टू 80,000 स्टूडेंट्स, कंडक्टेड मेडिटेशन फॉर देम इन देयर क्लासरूम इन हॉस्टल्स एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन ओवरवेलमिंग। पिछले 6 महीनों से एक डेडिकेटेड टीम आर्ट ऑफ लिविंग की कोटा में आपके साथ समय व्यतीत कर रही है, आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक सिखा रही है। मैं चाहता हूं एक करतल ध्वनि के साथ गुंजामायन कर दें यहां उस टीम के लिए, जोरदार तालियों से। 6 महीने में जिसने इतने कीर्तिमान रचे हैं, इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स तक रीच आउट करे हैं, थैंक यू सो मच। स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन का एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, हम चाहेंगे कि वो दिखाई जाए। Hub of India. More than 1 lakh students come to this great city from all across the country to prepare for their engineering and medical entrance examinations. With a sincere urge to make a difference in the lives of students and bring unshakable smiles, the Art of Living launched the Spreading Smiles campaign in July 2016. The students also actively took part in the Youth Empowerment and Skills Program to learn the globally acclaimed Sudarshan Kriya, a powerful breathing technique to blossom as a human being. Art of Living ka part banne se pehle, main itni frustrated rehti thi, mere dimaag mein kuch bhi chalta tha. Mujhe aisa laga tha ki main do naav mein ek saath chal rahi hu. Art of Living karne ke baad usne mujhe ek aisa magic sikhaya jisse main khush rehna seekh payi. पहले मैं हर चीज नेगेटिव में लेती थी, बट सुदर्शन क्रिया करने के बाद मैं हर चीज पॉजिटिव देखती हूँ। आफ्टर सुदर्शन क्रिया आई फेल्ट काम एंड सीरीन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेज माय कंसंट्रेशन लेवल, माय विजन टुवर्ड लाइफ इज चेंज। उसका जो एक्सपीरियंस रहा और मैंने जो उसमें बदलाव महसूस किया वो बहुत ही शानदार था। उसको जो यहाँ एक स्ट्रेस था, जो एक टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, एक प्रेशर को जो महसूस कर रहे थे बच्चे, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए ये उसने समझा जाना और धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे उसमें एक खुशी या उल्लास भी दिखने लगा। मैं जब एस प्लस ज्वाइन किया, मेरे अंदर एक एस प्लस ज्वाइन करने से पहले मैं इरिटेट रहता था, हमेशा परेशान रहता था किसी ना किसी बात के लिए, हमेशा टेस्ट की ज्वाइनिंग या घर से प्रेशर मिलता था। पर जब मैंने एस प्लस ज्वाइन किया मेरे अंदर एक अजीब टाइप की असीम शक्ति मिली, क्योंकि मैं अब हर काम को अपने हाथ खुद हैंडल कर लेता हूँ और मेरे चेहरे पर हमेशा एक अंदर से मुस्कान आती रहती है। Learning this Sudarshan Kriya, I have seen so many improvements in my study regarding concentration level, regarding focus, energy level, and of course the unwanted worries about the future, ki selection hoga ki nahi hoga, and unwanted, unnecessary regret past, it was all gone. Usko kafi jaise padhne se bahut zyada stress hota hai, zyada time tak padhne se headache hota hai, to abhi usne Art of Living course join kiya to usse usko kafi relief mila hai. Main IIT ki preparation kar raha hu. मैं यस प्लस कोर्स ज्वाइन करने मस्ती में मैंने किया था, बट मुझे क्या पता था इसने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी मेरी। बस इसके लिए मैं सिर्फ 3 शब्द बोलूँगा, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। एट द स्टार्ट ऑफ इट आई वॉज थिंकिंग करूँ कि ना करूँ, बट व्हेन आई प्रैक्टिस्ड इट इट रियली वर्क्स। आई एम फीलिंग रिफ्रेश, माय माइंड रियली वर्क्स सो फास्ट, आई एम फीलिंग लाइक कंसंट्रेटेड ऑन माय स्टडी, स्टेबल, आई फील कॉन्फिडेंट एंड फील फ्री टू स्पीक व्हाट आई वांट। ये था स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन जिसने विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन की एक शुरुआत की, उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा, विचारों में स्पष्टता आई और उनके संकल्पों में एक नई कटिबद्धता आई, ये सभी का अनुभव है। और अब हम परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय
मुख्यमंत्री महोदया जी, आप बैठिए, आप बैठो, नहीं नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, सबको बिठाने का काम हमारा है। वाह, व्हाट एंथुजियाज्म, कितना उत्साह है। अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप हमसे पूछने वाले हैं, उससे पहले कितने लोग आप लोगों में शरारत है, शरारती करते हैं, शरारती करते हो ना, या वाह, जो नहीं हाथ उठा रहे उनको देखना, जो उन शरारती नहीं है वो हाथ उठाओ, बेहतर शरारती हो जाओ, युवा का लक्षण है शरारती करना। युवा का लक्षण है सपने सजोना, सपना देखो, युवा का लक्षण है किसी न किसी चीज के लिए पागल होना, दीवानगी नहीं है, पागलपन नहीं है तो युवा नहीं है, कहीं बूढ़े हो गए, मगर किसी के पीछे पागल होकर के जान गंवाना नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जीवन उत्सव है, हमारे भीतर जो तनाव बन जाता है, फिर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर हमारी नाजायज फायदा उठाते हैं लोग, भड़का वड़का करके, फिर पत्थरबाजी करना, ये करना, वो करना, उद्दंडता करना, ये सब पीछे आ जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने जीवन में एक बड़ी नई उमंग लेके चलना है। वहां जो यूथ है, मैं ये कह रहा हूं आप बैठ जाइए, और जो सबसे पीछे, थोड़ा पीछे और पीछे होते जाओ, बैठ जाओ, या सभी खड़े हो जाए या सभी बैठ जाओ, क्या करोगे वहां पर? सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं यहां जो बैठे हैं आप लोग यहां बैठे रहो, वहां पीछे के लिए कह रहा हूं, आप लोग बैठे हो ठीक से बैठे रहो। आज के युवा को मैं ये कह रहा हूं कि आप इस समाज को अपनाओ, ये आपका है, दुनिया आपका है, ओन द वर्ल्ड राइट अवे। सुनिए, आई विल कम डाउन एंड यू डोंट कम फॉरवर्ड। देखिए आप लोग आगे मत बढ़ो, मैं वहीं आ जाता हूं, आपके पास आ जाता हूं, वहीं बैठे रहना, आप बैठिए। तो किसी ना किसी चीज के लिए पागल होना चाहिए हमें, पागल हुए बिना युवा अवस्था नहीं चलती है। तो देश के लिए या किसी एक उद्देश्य लेके, कला को लेके, क्रीड़ा को लेके, पढ़ाई को लेके आप दीवाने हो जाओ, ये युवा का लक्षण है। मैं एक और बात कहूंगा, भारत का ये पुराना पद्धति है, हम बड़ों को आदर करते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए, वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए। यहाँ आप लोग आके ऐसे बैठ जाओ, इधर बिठा दो, इधर जगह है ना, यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
लड़कियां ज्यादा व्यवस्थित बैठी हैं, देखो कितना सा मोर ऑर्डरली। लड़के भी बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए। कुछ लोग इस बैरिकेड के अंदर भी बिठा दो, इधर इधर बैठा दो। सम ऑफ देम कैन सिट हियर। नहीं इधर नहीं, उधर बैठा दो, इधर बैठा दो। मैं यहां देख रहा हूं भारत का भविष्य। मैं ये सातों जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनको बधाई देता हूँ। आप लोगों ने भारत के भविष्य उज्जवल बनाने का एक संकल्प निकाला है और यहाँ दिख रहा है मुझे भारत का उज्जवल भविष्य। इन्हीं युवाओं से हमारा देश आगे प्रगति के पथ पर जाएगा। हाँ अब मैं प्रश्न उत्तर ही ले लेता हूँ। हाँ शुरू करिए। अच्छा एक और चीज है, जो कुछ भी करते हो बड़ा स्टाइल से करो। ये युवा का दूसरा है क्या, उत्साह से करो, दीवानगी से करो और स्टाइल से करो। पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ प्रतिभा जगनी चाहिए। और मैं यहाँ ये देख रहा हूं प्रतिभा जगाने के लिए बहुत कुछ यहाँ हो सकता है और हो रहा है। अब प्रश्न कुछ हो तो पूछ लीजिए। गुरुदेव बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं और वो बच्चे आपसे सीधे प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, बच्चों से कहूंगी कि जो बच्चे चयनित हैं पूछें प्रश्न। बच्चे नहीं युवा है, युवा। हाँ युवा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नाम शहजादी प्रवीण है, मैं एलएन से हूँ और मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। गुरु हाँ क्लैरिटी नहीं, क्या ध्यान करना जरूरी है? क्या वो सभी लोग जो ध्यान करते हैं वो सफल होते हैं? बिल्कुल करना जरूरी है। ध्यान करने से मस्तिष्क ठीक रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अब देखो भारत का ध्यान को लेके वहाँ स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, ये सब यूनिवर्सिटी में, विदेश में, हार्वर्ड में, सब जगह लोग करते हैं ध्यान। हम अपनी चीज छोड़ दिए यहाँ पर, कहते हैं आज सुपर ब्रेन योगा कहते हैं, पता है कान खींचो तो सुपर ब्रेन योगा होता है। और थोड़ी देर ध्यान करोगे तो मस्तिष्क में जो सर्कुलेशन है वो ठीक होता है, ग्रे मैटर बढ़ती है ब्रेन में। खूब सारा रिसर्च हुआ है हाल ही में, ये कहते हैं ध्यान बहुत ज़रूरी है लोगों को करना। हाँ स्ट्रेस तो दूर होता ही है, साथ ही साथ मस्तिष्क में या वो एक इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट बढ़ती है, आईक्यू बढ़ जाता है। अगला प्रश्न। हेलो गुरुजी, मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है, मैं एलएन करियर इंस्टीट्यूट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, I cannot stop myself comparing with others. What can I do, especially in this competitive environment? Look my dear, don't compete with others. First compete with yourself. Okay? अगला how well you did last year and see how best you can do this year. Compete with yourself. That is a healthy competition. अगला प्रश्न।
प्रणाम गुरुजी, माय नेम इज शुभांगी जोशी एंड आई एम फ्रॉम एलन केयर इंस्टीट्यूट. आई वांट टू आस्क यू हाउ कैन आई बी इमोशनली स्टेबल व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट इन माय फेवर. You know, when things are not in your favor, it is bringing up lots of talents from within you. Have patience, okay? And the confidence, things will work out well for you. Okay? Agla prashn. Don't lose your heart. Yeah. Meditate again, I'm telling you. Om Namah Shivaya Guruji. Main Allen Curry Institute's मैं एलन कर प्रश्न पूछें. हेलो, ओम नमः शिवाय गुरुजी. मैं हाँ हाँ बोलो गुरुजी. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? क्या एक व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है? क्या हम युवा भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी सबको आवश्यकता है. देखिए, वी आर मेड अप ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. बॉडी नीड्स अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स. इसी तरह से मन के लिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, एक क्रिएटिविटी चाहिए. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म, रेस्पेक्ट, लव, जॉय, हैप्पीनेस, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द स्पिरिट. डोंट यू वांट एनी ऑफ दिस? एंड एनीथिंग दैट मेक्स यू क्लोज टू योर सेल्फ is spirituality. Anything that uplifts your spirit is spirituality. Anything that makes you feel one with everybody is spirituality. Okay? Agla prashn. Gurudev, mera naam Harshit hai. Main Allen Career Institute se hoon. Mera prashn ye hai ki hum sab yahan apne gharon se dur Kota aaye hain padhne ke liye. पर कुछ कमी सी लग रही थी यहाँ पे, कुछ अकेलापन सा लगता है. फ्रेंड्स भी है पर फिर कुछ भी मिसिंग है, क्या करें उसके लिए? हाँ, सही प्रश्न पूछा. कितने लोगों को ऐसा लग रहा? हाथ उठाओ. अकेलापन लग रहा है? अकेलापन लग रहा है आप लोगों को? ओ बाप रे, ओ तब तो आपको जरूर हैप्पीनेस प्रोग्राम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. और अपनापन, दूसरों का अपनापन, जो अकेलापन है ना, उसको मिटाने के लिए आप चेष्टा करो. कितने लोगों को अकेलापन लगता है? फिर से हाथ उठाओ. सच में अकेलापन अपनापन नहीं है, अकेलापन. हाथ उठा फिर से. अकेलापन लगता है? और इतने लोगों को अकेलापन लगता है, आपस में सब लोग मिलके क्यों नहीं बात करते? अपनापन लगने लग जाएगा. अच्छा, जब तक करियर में है, एक बात समझना, अब लंबे रिलेशनशिप के बारे में मत जाओ. किसी के प्रेम में पड़ जाओगे तो फिर पढ़ाई पीछे रह जाएगा. सो वो एक चीज आपको थोड़ा, अभी तो उम्र कम उम्र है भाई, आगे देखना. तो करियर मजबूत करो तो फिर अच्छे साथी संगति सब मिलेंगे. तो अभी करियर में कमजोर हो तो फिर वैसे ही मिलेगी फिर तुमको. तो यहाँ जब तक हो पूरी तरह से करियर में ध्यान दो और उत्सव मनाते रहो. म्यूजिक में, डांस में, इन सब चीज़ों में तुम लोग भाग लो. जो दूर दूर से आए, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य की जो भी नृत्य है, संगीत है, या कला है, नाटक है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर मिलके करो. नेशनल कल्चरल फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पर. ऐसे टैलेंट से दूर दूर से आए हैं तो यू कैन रियली स्प्रेड व्हाट यू हैव.
एंड शेयर इट विद अदर्स. ओके या नेक्स्ट. अगला प्रश्न. एंड मेडिटेशन करो, योगा मेडिटेशन करोगे तो ये अकेलापन मिट जाएगा, आपको अपनापन महसूस होने लगेगा. ठीक है ना? देखो मैं दुनिया के इतने सारे देश में घूम के आता हूँ, मैं आपको बताऊँ मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं पराया जगह आया हूँ, कि जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ वहीं के हो जाता हूँ, उनके साथ घुल मिल जाता हूँ. ऐसे जब आप यहाँ आए हो ना, यहाँ की चीज़ अपना हासिल करो, सीखो यहाँ क्या है. वैसे कोटा तो रोटी कपड़ा मकान उत्साह उमंग सब दे रहा है यहाँ से, है ना? हर घर में कोटा का स्टोन तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मिलता ही है भाई, और कोटा के कपड़े भी पहनते हैं लोग, और कचौरी रोटी कपड़ा और मकान की चीज़ें मिली गई इधर से. अगला प्रश्न. गुरुदेव मेरा नाम ख्याति है, मैं रेजोनेंस से प्री मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ. मेरा प्रश्न ये है, क्या भगवान पे विश्वास करना जरूरी है? क्या भगवान सच में होते हैं? आपने देखा है उन्हें? ऑडिबल नहीं है, क्वेश्चन क्या है? भगवान, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या भगवान में विश्वास करना जरूरी है? क्या आपने उन्हें देखा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न तुमने ऐसे पूछ लिया सचमुच में जानना चाहते हो. कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं सिर्फ अपनी मौजूदगी महसूस कराने के लिए, जो उत्तर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हम सुनते नहीं हैं. नहीं गुरुजी, मुझे सच में सच में जान रहा है. सच में जाना हो तो मेडिटेशन तुम्हें करना होगा. अच्छा तुमको क्या लगता, हमको देख के लगता नहीं है क्या हमने कुछ देखा है, कुछ पाया है, कुछ लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी. लगता है ना? बस जवाब मिल गया तुमको. तो भगवान कोई चीज नहीं है ऊपर से कभी टपक के तुम्हारे सामने आके, वत्स तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलने वाला. जिस चीज से सब कुछ बना है वही भगवत्ता है, जिसमें है सब कुछ वही भगवत्ता. मैं एक उपनिषद की एक छोटी सी कहानी तुमको बताऊंगा. तुम्हारे जैसे एक युवा अपने पिता से पूछते हैं भगवान कैसे हैं, तो उनके पिता उस बच्चे को हाथ पकड़ के घर से बाहर लाके पूछते हैं. उन दिनों में प्रश्न को प्रश्न से उत्तर दिया जाता था उपनिषदों के जमाने में. वो कहते थे ये मकान बनने से पहले यहां क्या था, तो उन बच्चे ने कहा कि जगह खाली जगह स्पेस आकाश था. ये मकान कहाँ बना है? बोले आकाश में बना है. और ये मकान तोड़ने के बाद यहाँ क्या रहेगा? बोले आकाश. वो वही अवकाश ही परमात्मा है, जिसमें सब कुछ है और जिसके भीतर सब कुछ चला जाएगा, जिससे सब कुछ आया है. अच्छा भगवान को जानने से पहले ये तुम ये पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कहाँ थी, मैं कौन हूं, मैं कहाँ थी पहले, ये पूछो. ठीक है? इससे ही बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगा. और सबर करना, कोई जवाब देने आए तो जवाब मत सुनना उनके. अगला प्रश्न. गुरुदेव मेरा नाम है संकेत पाटिल, मैं आकाश करियर इंस्टीट्यूट से मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ. मेरा प्रश्न था कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उनको हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता. तो आई थिंक आई एम गुड बट मे बी नॉट द बेस्ट, प्लीज हेल्प मी गुरु जी. डेफिनेटली डेफिनेटली कीप दैट थॉट, यू नो वन डे दे विल बी हैप्पी, डोंट वरी. या यू की फोकस ऑन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू. ओके, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड ऑन दिस फ्रेंड. जय गुरुदेव गुरुजी. हाँ. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आई एम सोम शेखर, आई एम फ्रॉम वाइब्रेंट.
lot about us. Now something about you, Guruji. What do you think about marriage? Why didn't you marry? Wow, this is a question. Yeah, you know, I was so busy doing so many things, I didn't even pay attention to myself on that. I don't think anybody can cope up with me traveling and doing all that I'm doing. Guruji, my name is Vanshdeep Narang and I'm from Allen Career Institute. Guruji, my question to you is, why do we always need someone to motivate us for our work or for our studies? Why can't we get self-motivated? And even if we get self-motivated, it doesn't last for a long time. So what's the reason? Please help me, Guruji. This is the reason. Since self-motivation doesn't last for too long, you need someone else to motivate you. Got it? Yes, Guruji. You had your answer in your very question. Thank you, Guruji. Gurudev, my name is Oishojo Tarabdar and I'm from Allen Career Institute. My question is that I tend to think a lot about my future, my examination and their outcome. But it always leads me to depression. How do I come out of this compulsive thinking? You know, you should know every failure is a step towards success. आपको पता है जितने बड़े बड़े कंपनी के मालिक आज हुए हैं उनको काफ़ी सही फेल्यूर सहना पड़ा शुरू शुरू में. बड़े बड़े आईटी कंपनी के जो मालिक हैं जिन्होंने उसको शुरू किया है, शुरू शुरू में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, परेशान हो रहे थे, तो कई तरह की परेशानी सामना करना पड़ा उनको. अब जाके देखो वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं. तो इसलिए तुम कभी भी अपना पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? एक चीज़ में तुम क्लास में अच्छे नहीं आए तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर चीज़ वेट कर रही है, ठीक है? ये बात याद रखना, मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला ही है, ठीक है? द बेस्ट विल हैपन टू मी, दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट यू टू टेक होम टूडे. वॉट? Only the best will happen to me, number one. Second, I want you to stay away from all type of addictions. This is not the age to get addicted to anything. Stay away from addiction. Third, be crazy for something in life. Either arts, music, sports, social work. Many of youngsters should aspire to be in politics also. वसुंधरा जी विल वेलकम. अभी भी बोल रहे थे आई नीड लॉट ऑफ योर टैलेंटेड यूथ्स. सम ऑफ यू शुड जॉइन इन ऑल दीज डिफरेंट. या डू यू लाइक इट? लाइक द आइडिया? बी लीडर्स, शेक मूवर्स एंड शेकर्स इन द वर्ल्ड. यू नो टुडे, हाँ हाँ, आज दुनिया भर जो है ना, भारतीय युवाओं को एक नया अवसर प्राप्त हो रहा है. आप लोग स्किलफुल हो जाएंगे. यू लर्न लॉट्स ऑफ स्किल, नॉट जस्ट एजुकेशन बट डेवलप योर पर्सनैलिटी. वी विल ओपन फॉर यू एवेन्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. हर देश में आपको एक अवसर, सुअवसर प्राप्त हो सकता है. ऐसा मौका है अभी. हाँ, नेक्स्ट. गुरुजी, बहुत सारे युवाओं ने यहाँ पर अपने प्रश्न भेजे हैं. हाँ, तो जब तक हम सीधे कुछ लोगों से, अभी आपने बात की, कुछ युवाओं के प्रश्न आप तक पहुँचा रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, करिए. गुरुजी, नींद बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए. क्या चीज? नींद, स्लीप. नींद? हाँ. पढ़ाई करते वक्त तो और भी ज्यादा आती है, क्या करें? आप रात भर इंटरनेट देखते हो तो क्लास में आके तो नींद आएगी. गुरुजी, आप देखो,
स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप 6 से 8 घंटे नींद नहीं दोगे तो आपकी ब्रेन पावर जो ना कम होता चला जाएगा. मेक श्योर यू डोंट बिकम ए डल एंड बिल्कुल अनइंटेलिजेंट पप्पू ना बन जाना. बुद्धू ना बन जाना. ध्यान करोगे तो बुद्ध बनोगे और नींद लोगे तो बुद्धिमान बनोगे. इसी में रहना और नींद खो जाएंगे. नींद नहीं ले पाते हैं तो वो समस्या होगी. योग निद्रा ज़रूर करना. आपको इंटरनेट में से डाउनलोड कर लो, ऐप है अपना सत्वा ऐप से डाउनलोड करके योग निद्रा कर लीजिए रोज. तो यू नो उसमें बहुत सुकून मिलेगा. नेक्स्ट गुरुजी पूरी 10 मिनट 15 मिनट योग निद्रा में इतना आराम मिलता पता है. हाँ गुरुजी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करके जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते ही भूल जाते हैं, क्या करें? ये तनाव के वजह से, नर्वसनेस के वजह से. तुम लोग यू मेडिटेट करोगे तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा. या नेक्स्ट गुरुजी आपने मेडिटेशन सॉल्यूशन बताया है लेकिन पढ़ाई का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है यहाँ कोटा में, ऐसे में ध्यान के लिए समय कहाँ से निकालें? अरे भाई दंत मंजन करते हो कि नहीं रोज? वो डेंटल हाइजीन है. समय लेते हो कि नहीं 10 मिनट? नहीं करते? कितने लोग दांत नहीं मांजते? हाथ उठाओ. दांत नहीं मांजते हो? बाप रे. ना 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 ये बेईमानी. आई डोंट नो. आई नो यू ऑल ब्रश योर टीथ. डोंट यू ब्रश योर टीथ? नो. कम ऑन इमीडिएटली स्टार्ट. दिस इज डेंटल हाइजीन एंड मेंटल हाइजीन दोनों चाहिए हमें. सुबह दंत मंजन के बगैर चाय नहीं पीना चाहिए. फर्स्ट यू शुड ब्रश योर टीथ एंड देन टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स यू मेडिटेट. सी हाउ मच एनर्जी यू गेट. ओके इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ग्रास्प वेरी वेल. That's why meditation is important. Yeah. Guruji, मुझे काम टालने की बहुत बुरी आदत है, क्या करूं? काम टालने की बहुत बुरी आदत है, क्या करूं? मैं इस प्रश्न को टालूं? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं टाल दूं? अच्छा आपको जो भोजन दे रहे वो टालें और आपके एग्जाम्स, आपको क्लास में एग्जाम्स के नंबर देने वाले आपका पेपर टाले, आपको पसंद आएगा? आपका एग्जाम टल जाए, कहेंगे नहीं एक क्लास में एक और साल बैठ जाओ. जरा जागो, ठीक है ना? 3 चीजों से हम बुरी आदत से दूर हो सकते हैं भाई. लोभ या प्रेम. कोई कह दे तुम्हें कि ये काम नहीं टालोगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, तुम टालोगे क्या? नहीं टालोगे. कोई कहे कि ये काम नहीं करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे कल, तो करोगे तो टालोगे क्या? नहीं टालोगे. और यदि प्रेम हो जाए तब भी हम, कोई आपके प्रेमिका या प्रेमी बोल दे ये मेरा काम कर दो भाई, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो टालोगे क्या? नहीं टालोगे. तो प्रेम से, भाई से या लोभ से हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, टालते नहीं किसी चीज को. हाँ बोलो नेक्स्ट. गुरुजी आई फील अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड मी टू फुलफिल माय पेरेंट्स ड्रीम्स. इट इज ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड. व्हाट टू डू? जस्ट रिलैक्स. Just relax. Have a dream and relax. Don't make it as an obsession. I will give you an example. Suppose you want to go to Jaipur from here. How many hours Jaipur from here? 8 ghante lagte hain? 4 ghante? Acha, yahan se Jaipur jana hai. To hum kya karte hain? 4 ghante lagte hain gaadi mein jaane mein. Gaadi mein baithte hain, chal padte hain.
रास्ते पर हम ये नहीं कहते चलते हमें जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओगे। 4 घंटे तुम ये कहते जाओगे मुझे जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो कहाँ पहुँचोगे? यहाँ मेंटल हॉस्पिटल कहाँ, मशहूर मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? कोटा में है क्या? तो जहाँ भी है वहाँ ले जाएंगे तुमको। इसलिए हम संकल्प एक लेंगे जयपुर जाना है, फिर कहीं रोकते हो, कहीं पेट्रोल बैंक में रोकोगे, कहीं भोजन खाने के लिए रुकते हो, रुकते रुकते चलते वहाँ पहुँच जाओगे। इसी तरह से बड़ों का सपना पूरा करना है ये मन में रख लिया ना, बस विश्राम करो और इसको समर्पण करो। एक शक्ति है, इसको तुम ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, कोई तुमसे बड़ा शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे मदद में आ जाए। चाहे अपने प्रियजन को समर्पण कर दो, गुरु को करो, कोई ईश्वर को करो, कोई एक तत्व है वो हमारे सपना सजोने में, हमारे सपने को पूरा करने में पूरी तरह से मदद देगी वो शक्ति। ये भरोसा, ये विश्वास रख के चलना, ठीक है? How to overcome lustful thoughts? I want to ask you one question. When you have exams, during exam days, do you get lustful thoughts? No. When you are free. So, and keep yourself very busy and you will see you will be able to handle your emotions. Guruji, I always had a dream of doing something for my nation and the environment. Amidst the pressure of studies, I really doubt if I would be able to do the same. You will be able to. You will be. I assure you, you will be able to. Focus on studies and keep this thought behind your mind. Okay? Good. Ho gaya? Gurudev, अभी आपको रैपिड फायर राउंड से गुजरना है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री महोदया के लिए हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं। युवा, हम उन युवाओं से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने प्रश्न पूछें। हेलो मैं मुस्कान जयसिंघानी हूँ फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेडिकल। माई क्वेश्चन इज, How do you see spirituality and what can the state government do to bring spirituality in the government system for the overall well-being of the people of Rajasthan? No one can force you to become spiritual. And I believe that spiritual is actually what you believe in and what you give yourself up to make. For example, if you believe in yourself, if you believe in getting something done, if you believe in your state, if you believe in God, that is spirituality, and you must work towards that because it makes a difference to you and your life. Thank you, ma'am. Agla prash. Jai Gurudev, main Pooja Bhagat hoon, Allen Career Institute se, aur medical ki taiyari kar rahi hoon. मैम थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम आपके जैसे अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं? ना पूजा, यू आर एम्बैरेसिंग मी। मैं एकता ही कह दूं कि सबसे पहले मैंने टाइम नहीं निकाला है। ये कोई बड़ा चोर नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात आप मैंने नहीं की है। मुझे अच्छा लगा है गुरुजी के यहाँ और आपके बीच में आने का, एक इतना बड़ा मौका ये रोज़ तो मिलता नहीं है, और इसलिए आज आपके चरणों के दर्शन और आप सब से मुलाकात करना, पूजा, हैज़ बीन वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। लेट मी टेल यू, एज वीमेन इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ नेवर ईजी बिकॉज यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज आवर फ्रेंड्स देयर। बट if you decide ki you will work twice as hard, you don't mind working hard, then I can tell you nothing is out of your reach. Yes, it's very difficult. Yes, you will have to get over many things, but
those speed breakers will remain speed breakers if you decide that you will make it happen. So the confidence and the will, that is all you need. Thank you. They're not giving you a mic, no, they're only giving the girls, okay. Ma'am, my name is Anushka. I'm from Motion and I'm preparing for IIT. What's your name again? Anushka. Anushka, yeah. My question is, have you also faced... Yeah? ...difficulties like we teenagers? Have you also faced difficulties like we teenagers too? In your child, in your teenage, if so, please help us to overcome this. I can tell you, I was always nervous because every child or every one of us that benchmarks ourselves has to work that much harder. And if you have to work that much harder, there's that much more nervousness, there's that much more stress. And you also, like they said, want to please your parents. But remember, your parents will only be pleased if you are happy. They will only be pleased because if you are happy, then you will reach out for what you want. As Guruji said, you need to dream. You need to reach out. And let me tell you one thing, if you dream and you reach out, you normally get what you dream. I can tell you that in my life, when I decided, and I wasn't a very good student, but when I decided in class 7 that I am now going to become a good student, you make that promise to yourself and you start to work, it happened. I became and I improved and I improved. And by the time I was in the 10th class, I was doing very well. You can do it. But you have to benchmark yourself against yourself. Your parents love you. They don't want to hurt you. They want you to be happy. And they're doing all this because they love you. So if you understand that, and you stay within that, you will be successful, Anushka. Just go for it. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया. आपने इनकी जिज्ञासाओं को शांत किया और इन्हें चिंतन और मनन की एक दिशा दी. और अब गुरुदेव आपसे अनुरोध, तैयार हो जाएं रैपिड फायर राउंड के लिए. हाँ, आग में कूदने के लिए मैं तैयार हूँ. आग में पेरेंट्स पेरेंट्स रेस्पेक्ट देम एंगर Control them. Future. Have hope for them. Facebook. Use it well. Engineer. 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 Food. Well, engineers are needed in the country. Know that you are needed. Food. Food. Have moderation in it. Aliens. Think you are one of them. Perfection. Is part of you. Friends. Friends. Friends that you can make. Kota City. Vibrant. Thoughts. 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 Streamline them. Act on some and don't act on others. SMS. Keep it all small and short. Laziness. Good to have sometimes. Alcohol. There is a bigger nasha than that. Sleep. Necessary. Youth. Youth means craziness. Religion. Religion, respect all.
Education. That which can culture you, make you strong. Intelligence. Some have, some don't. Clarity. And those who are here definitely has it. Luck. Luck is what you make. God. Worth knowing. Once you know it, there is nothing that is left not knowing. Guru. Everyone has an ability to become guru to somebody at some time. Intuition. You can develop it. Google or Guru. Ask Guru only what Google doesn't give you. Thank you. Ek bar zordar taaliyan Gurudev ke liye. आप सब देख रहे होंगे मंच पर चंडीगढ़ से आए एक युवा चित्रकार ने अभी आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया का ये सुंदर चित्र पेंटिंग बनाई है। इनका नाम ही चितवन है और इनके चित्र सचमुच मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एकदम सजीव चित्र। एक बार जोरदार तालियां चितवन के लिए। बड़े मनोयोग से आपके सामने उन्होंने ये पेंटिंग बनाई और सचमुच हम सब में वो संभावनाएं हैं कि हम अपनी जिंदगी के कैनवस पर जो चाहे चित्र खींच सकते हैं, अपने जीवन का स्वरूप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ कई लोगों से अभी हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कुछ तो गुरुजी कराए हैं, सबको कुछ ध्यान कराए। बहुत सभी लोग खड़े वहां, आप लोग बैठ पाओगे क्या? 5 मिनट का फिर हम लोग ध्यान करा सकते हैं। कैन यू सिट डाउन देर? नो, देर इज नो स्पेस टू सिट। नेवर माइंड, नो, जस्ट सिट वेयर एवर यू आर, और इफ यू कैन नॉट सिट जस्ट स्टैंड। देखो बैठ तो रहे हैं। नो, फर्स्ट शेक योर हैंड्स। देखो एक कुत्ते के ऊपर भी मिट्टी गिर जाए ना, वो सब झाड़ के आगे निकलता है। हम ढोते रहते हैं सारी पुरानी चीजों को। बी द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। शेक बोथ हैंड्स, शेक योर हेड, शेक योर हैंड्स एंड हेड। लुक एट दैट, सो वाह, इट लुक्स सो ग्रेट व्हेन आई सी यू आर शेकिंग। इफ यू कैन शेक हियर, यू कैन शेक द वर्ल्ड, एंड नोबडी कैन शेक यू इफ यू कैन शेक योर सेल्फ। झाड़ो अच्छे से। हाँ, योग माने यही है, झाड़। Some change? How many of you notice change? Raise your hand. Instantaneously you can feel some relaxation in the brain. Because all the nerves which creates awareness, they end up in your ears. So, ye kaan ka exercise karenge, isko aajkal America mein super brain yoga keh rahe hain. So, because isse brain mein bahut ek farak padta hai.
तो कान का एक्सरसाइज हो गया, अब मैं एक और एक्सरसाइज बताऊं। हाथ पांचों उंगलियों को खूब फैलाओ, मेक इट यू नो ऑल द फाइव फिंगर्स एंड देन टेक इट टू योर साइड एंड देन डू लाइक दिस। नहीं 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 और फिर देन शेक अगेन। नो वंस अगेन स्ट्रेच इट एंड टेक इट फॉरवर्ड एंड डू द सेम थिंग। इससे क्या शरीर के कई मेरिडियन में असर पड़ता है और नर्वस सिस्टम में जो थकान है वो दूर हो जाता है। फिर ऐसे पांचों उंगली करके सिर के पीछे रखो, वो दिखाना जरा, घूम के दिखाओ। उंगलियां चुनी नहीं चाहिए, ऐसे अलग अलग अलग। नो कीपिंग योर हैंड लाइक दिस, नो मूव योर आईज, ओनली आईज, हेड स्ट्रेट, आईज लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। When you move your eyes, you can feel some sensation in your fingertips, in the back of the head. Move your eyes sideways, up and down, and roll your eyes. Three times clockwise and three times anti-clockwise. When you do this, you will feel your eyes are easy to move on some place, not easy in some other place. Again left, look to the left side and right side of the nose, and again look to the left side of the nose. Aise aankhon ko ghumaiye aur haath dhila kar dijiye. Once again shake your head. Now you move your neck. Bahut der computer mein baith ke hum kaam karte hain na, इसमें क्या होता है कि पीछे का नस झकड़ जाते हैं, देन इट अफेक्ट्स द आई साइट। सो योर मूवमेंट ऑफ द आईज कैन स्टिमुलेट द लैटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में इसका असर पड़ता है। व्हेन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज अफेक्टेड, देन योर एनर्जी, यू नो, व्हेन यू डू दिस, that release happens, those stress and tension yahan se release ho jata hai. 3 minute, ye sab desktop yoga hai. Tum baithe baithe class mein bhi kar sakte ho. Ab dekhiye neck, see if anyone has neck pain, 3 minute mein ye theek ho jata hai. How many of you notice this? Neck, kitne logon ka neck abhi theek hua? Abhi haath lo, haath uthaiye, dekhte hain कितने लोगों का। इट इज मैजिकल। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इन नुक्सों को हम जान ले ना तो बहुत फायदा होता है हमको, ठीक है। दिस इज डन। नाउ लेट अस डू ए शॉर्ट मेडिटेशन। खड़े भी हो सके कर सकते हैं। अपनी दृष्टि नीचे रखिए 30 डिग्री में, शरीर को सीधा रख के, रीढ़ की हड्डी, बैठे रहिए, जो बैठे हैं बैठे करिए, जो बैठ नहीं पा रहा हूं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो बैठे हुए हैं उनको बैठ के करना चाहिए, बैठ के करो। जस्ट विल डू ए 5 मिनट शॉर्ट मेडिटेशन। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर होल बॉडी। अपने शरीर के प्रति ध्यान लेके आओ। हम इस दुनिया में आए थे तो सिर्फ 5 किलो वजन के थे, 4 किलो वजन के थे। अब अपना वजन को याद कर लें, जो भी है, 50 है, 60 है, 70 है, 80, एंड फील द सेल्स ऑफ योर बॉडी। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से हमारा शरीर बना है। पूरा शरीर को महसूस करें और एक गहरी सांस लें। चेहरे में मुस्कान हो, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और सांस छोड़े। और ऊपर से सूरज के किरण हमारे ऊपर पड़ रहे हैं,
feel the rays of sun. Sun is enveloping you from all sides. You are grateful for the sun. You are grateful for the earth beneath you. You are grateful for the air that is all around you and inside of you. Take another deep breath in and breathe out. Saans chhodiye, sharir ko dhila chhode. Keep a big smile. Know that you are the power and you can do what you want to. You can achieve what you really want to achieve. Take another deep breath in, breathe out. Hum log abhi Om Shanti Shanti bolenge. Om mane prem aur शांति का संदेश है. जो साथ में बोलना चाहे बोले. एक गहरी सांस लीजिए. ओ शांति शांति आपके चेहरे में मुस्कान हो. फील दैट स्माइल इज परक्यूलेटिंग थ्रू योर होल बॉडी. एवरी ऑर्गन ऑफ यू इज स्माइलिंग. द बैक ऑफ द हेड इज स्माइलिंग. एवरी सेल इन योर ब्रेन इज स्माइलिंग. टेक अनदर डीप ब्रेथ इन. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़े. शांत हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो. धीरे धीरे आंखें खोलिए. अच्छा लगा. Shortest meditation. Did you all enjoy? There in the back? Wahan piche? Good. Yeah. Done. Ek naya utsah, ek nayi umang, pure vatavaran mein ek sakaratmak urja, ek advitiya shanti. ये है गुरुदेव के सानिध्य का असर. और अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. सभी से अनुरोध है कि अनुशासित ढंग से अपने स्थान पर खड़े रहें. वंदे मातरम् वंदे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम् शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शो Shri
सदां वरदां मातरं वंदे मातरं सुजलां सुफलां मरज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं नमन भारत भूमि को, मातृभूमि को और उसी के प्रतीक ये गुब्बारे। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। प्रेम शांति सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया को देने वाला देश भारतवर्ष। नजर ना हम पर डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा रहेगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। ए डोंट पुश द बैरिकेड्स गाइस, कम ऑन, स्टैंड स्टिल, स्टैंड इन वन प्लेस। वी विल हैव टू स्टॉप द म्यूजिक इफ यू आर गोइंग टू पुश, ओके? वी वांट यू टू स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस, मेंटेन दिस
this beautiful formation that you have. Don't push the barricades, okay? Don't push the barricades. Help our guys. They're doing a great job here. Come on, just put your hands up in the air. Don't push anybody. Don't push anybody. Yeah. Just give me your voices. शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कटते नहीं